डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास ट्वेल्थ के लिए सब्जेक्ट फिजिक्स को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, हम लोगों ने फिजिक्स में अभी खंड दो यानी कि धारा विद्युत चैप्टर के अंतिम खंड में पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है प्रत्यावर्ती धारा। और प्रत्यावर्ती धारा में हम लोगों ने डिस्कस किया कि प्रत्यावर्ती धारा का तत्कालिक और शिखर मान क्या होता है, उसका औसत मान क्या होता है, उसका वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है। और हाँ, हम लोग ये भी पढ़े कि वर्ग माध्य मूल मान को प्रभावी मान या आभासी मान के नाम से भी जाना जाता है, उसको IRMS से भी सूचित किया जाता है। तो इन चीजों को डिस्कस किया, इन चीजों को पढ़ा। चलिए उसके आगे हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो टॉपिक दिया जाए कि उसके आगे हम लोगों को क्या टॉपिक्स पढ़ना है, तो टॉपिक लिखेंगे प्रत्यावर्ती धारा के अभिलाक्षणिक गुणधर्म। यानी कि ये जो टॉपिक्स है हम लोगों का, ये टॉपिक क्या बता रहा है कि कोई भी प्रत्यावर्ती धारा है, ठीक है, तो उसका क्या गुणधर्म है, यानी कि उसके अंदर की क्या प्रॉपर्टीज है, उसके अंदर का क्या गुण है। जैसे मेरे अंदर या आपके अंदर गुण होता है ना, जिससे उसकी पहचान होती है, गुणों से उसकी पहचान होती है। वैसे ही आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि प्रत्यावर्ती धारा के अभिलाक्षणिक गुणधर्म क्या है, यानी कि उसका अभिलाक्षणिक गुणधर्म क्या क्या है। तो सबसे पहले इसके बारे में लिखा जाए, तो फर्स्ट एरो देंगे, लिखा जाए प्रत्यावर्ती धारा के अभिलक्षण निम्नलिखित है। पहला पहला में लिखेंगे प्रत्यावर्ती धारा के अभिलक्षण निम्नलिखित का मतलब नीचे प्लस पहला नंबर दूसरा नंबर करके लिखा जाए। तो पहला में लिखेंगे प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के घूर्णन अक्ष पर तीन कुंडलियों को चढ़ाया जा सकता है। बताते हैं कि ये तीन कुंडलियों क्या है, पहले भी लिख लीजिए। तीन कुंडलियों को चढ़ाया जा सकता है। उसके बाद दूसरे नंबर बी में लिखेंगे, या दूसरा नंबर दे रहे होंगे तो दूसरा में लिखेंगे, ट्रांसफॉर्मर की सहायता से प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल को उच्चतर या निम्नतर किया जा सकता है। अतः विद्युत धारा को दूर तक भेजने के लिए
अतः विद्युत धारा को दूर तक भेजने के लिए विद्युत वाहक बल को उच्चतर किया जा सकता है, किया जाता है। विद्युत वाहक बल को उच्चतर किया जाता है तथा विद्युत धारा को नजदीक में भेजने के लिए, नजदीक में भेजने के लिए विद्युत वाहक बल का, विद्युत वाहक बल को निम्नतर किया जाता है, विद्युत वाहक बल को निम्नतर किया जाता है। चलिए बी नंबर दूसरा हो गया, अब तीसरा लिखेंगे। प्रत्यावर्ती धारा संबंधी, प्रत्यावर्ती धारा संबंधी मोटर या अन्य वैद्युत यंत्र, अन्य वैद्युत यंत्र यांत्रिक रूप से सुगम होते हैं अतः उन्हें चलाने में अधिक ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ती है, अतः उन्हें चलाने के लिए अधिक ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ती है। चलिए अगला चौथा पॉइंट लिखा जाए। प्रत्यावर्ती धारा के परिमाण को परिमाण को संधारित्र या प्रेरकत्व द्वारा कम किया जा सकता है। अगला पॉइंट पांचवा, ये लास्ट पॉइंट है, इसमें लिखेंगे प्रत्यावर्ती धारा का व्यवहार, प्रत्यावर्ती धारा का व्यवहार अधिक खतरनाक है। चलिए तो हम लोग यहां पे लिखें, क्या क्या लिखे जरा ये बात समझते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक्स है हम लोगों का वो क्या है, प्रत्यावर्ती धारा के अभिलाक्षणिक गुणधर्म है, यानी कि हम लोग प्रत्यावर्ती धारा के बारे में पढ़े कि प्रत्यावर्ती धारा क्या है। तो वैसी धारा जो अपने दिशा को टाइम के अकॉर्डिंग बदलती रहती है उसको हम लोग अल्टरनेटिव करंट बोलते हैं, ठीक है, इसी को प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं। और जो बैटरी में यूज किया होने वाला धारा रहता है उसको बोलते हैं डीसी, डायरेक्ट करंट, वो हमेशा एक दिशा में प्रवाहित होती है, लेकिन प्रत्यावर्ती धारा दोनों ही दिशाओं में प्रवाहित होती है। यही कारण है कि कोई भी तार को प्लग में अगर यूज किया जाता है इधर उधर भी करके, फिर भी हमें करंट का वैल्यू प्राप्त होता है, यानी कि बोथ डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन से इसमें हम लोगों को करंट मिल जाता है। तो
आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि प्रत्यावर्ती धारा का क्या अभिलक्षण है, उसके अंदर का क्या लक्षण है, क्या गुण है। ठीक है, तो पहला गुण यह है कि जो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है, जनित्र का मतलब जानते हैं ना, जनरेटर, जनरेटर का हिंदी होता है जनित्र, हम लोग सिर्फ बोलते हैं जनरेटर, दैट इज अ इंग्लिश वर्ड, वो एक इंग्लिश शब्द है जनरेटर, उसका हिंदी होता है जनित्र। तो प्रत्यावर्ती धारा जो जनित्र है, हम लोग जानते हैं ना, उसमें हाई क्वालिटी का चुंबक लगा हुआ होता है, ठीक है, और बीच में कुंडली होता है, आयताकार कुंडली, और एक आर्मेचर लगा हुआ होता है जो क्या करता है, उस आर्मेचर को, उस कुंडली को तेजी से घुमाने का काम करता है। तो जैसे ही तेजी से घूमता है कुंडली, जो जनरेटर के अंदर दोनों चुंबक के बीच में लगा हुआ रहता है, तो वो कुंडली जितना तेजी से घूमता है जनरेटर से उतना ही ज्यादा वैल्यू का करंट हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब कि ये प्रत्यावर्ती धारा का पहला विलक्षण है कि जनरेटर के कुंडली में एक के बजाय हम लोग एक ही साथ साथ तीन तीन कुंडली का व्यवहार कर सकते हैं। समझ में आया? यानी कि एक इसका अभिलक्षण है, गुण है, कि जो भी जनरेटर से हमें करंट प्राप्त होता है वो हम एक ही जो चुंबकीय क्षेत्र है बोल सकते हैं, यानी कि उसके बीच में तो चुंबकीय क्षेत्र होता ही होता है, तो वो जहां पे जिस अक्ष पे घूमता है, यानी कि अगर मान लिया कि ये कुंडली घूमेगा तो ऐसे ही ऐसे में घूमेगा, यानी कि दिखा रहे हम आपको, तो ये जो घूमेगा वो कैसे घूमेगा, अपने अक्ष पे, जैसे मान लिया ये कुंडली है, ये घूमना शुरू करेगा तो अपने अक्ष पे ऐसा ऐसा घूमेगा, तो उसी अक्ष पे हम ज्यादा से ज्यादा कितने कुंडली को अटैच कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, वो टोटल तीन कुंडली एक साथ अक्ष पे जोड़ के हम लोग धारा का मान प्राप्त कर सकते हैं। तो ये पहला गुण है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा गुण पढ़ते हैं क्या लिखा है। दूसरा में ये लिखा है कि ट्रांसफार्मर में प्रवाहित होने वाली जो प्रत्यावर्ती धारा है, ट्रांसफार्मर में जो प्रवाहित होने वाली प्रत्यावर्ती धारा है वो अपने वोल्ट को हमेशा टाइम के अकॉर्डिंग बदलते रहती है। यानी कि जो ट्रांसफार्मर में का भी एक गुण है, वो कौन सा गुण है, तो उसका ये गुण है कि अगर मान लिया कि ट्रांसफार्मर से करंट हमें दूर भेजना होगा, बहुत दूर भेजना होगा, तो उसके वजह से उसमें क्या चेंज आ जाता है, तो उसका जो विद्युत वाहक बल है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। यानी कि ट्रांसफार्मर में विद्युत वाहक बल, यानी जिसको ईएमएफ बोलते हैं, विद्युत वाहक बल, इसे सूचित करते हैं, इसका वैल्यू ट्रांसफार्मर में हमेशा बढ़ते या घटते रहता है, प्लस माने बढ़ना, माइनस माने घटना। तो ट्रांसफार्मर में ई का वैल्यू, विद्युत वाहक बल का वैल्यू हमेशा टाइम टू टाइम बढ़ता है, टाइम टू टाइम घटता है, ठीक है, लेकिन अब किस टाइम बढ़ता है और किस टाइम घटता है, तो उसके अंदर का ये लक्षण है कि जब ट्रांसफार्मर से करंट बहुत दूर भेजना होता है तो अपना विद्युत वाहक बल को उच्चतर कर लेता है, उच्चतर का मतलब बढ़ा लेता है, यहां पे हम लोग उच्चतर और निम्नतर लिखे हैं, तो उच्चतर का मतलब बढ़ाना और निम्न का मतलब घटाना। तो अगर मान लिया कि अगर हमें करंट का सप्लाई नजदीक के क्षेत्रों में करना होगा तो उस टाइम विद्युत वाहक बल का क्या करता है, तो उसका वैल्यू कम कर देता है, निम्नतर कर देता है। तो आपको याद होना चाहिए, याद आना चाहिए कि प्रत्यावर्ती धारा का दूसरा जो लक्षण है, ये भी लक्षण है कि ट्रांसफार्मर से प्राप्त प्रत्यावर्ती धारा, ट्रांसफार्मर से उत्पन्न होने वाली जो धारा है वो अपना विद्युत वाहक बल यानी कि वोल्ट हमेशा चेंज भी कर सकती है, यानी कि कम बढ़ा घटा सकती है। किस एरिया के लिए बढ़ाएगी, जैसे मान लिया कि करंट हमें दूर तक सप्लाई करना है तो उस हिसाब से हमें बढ़ा लेता है, ये ऑटोमेटिक उसमें ऐसा फंक्शन क्रिएट किया जाता है। जब हम लोग ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे तो फिर हम लोगों को अच्छा से पता चल जाएगा
कि ट्रांसफार्मर में क्या होता है, उसका निर्माण कैसे होता है, उसको करंट हमें कैसे प्राप्त देता है ना, तो इन चीजों का। तीसरा पॉइंट क्या लिखे, तो तीसरा पॉइंट लिखे कि प्रत्यावर्ती धारा संबंधी, हम लोग प्रत्यावर्ती धारा का यूज कहां कहां करते हैं, तो प्रत्यावर्ती धारा जो है हम लोग अनेक वैद्युत यंत्रों में करते हैं। जैसे प्रत्यावर्ती धारा से हम लोग मोटर चलाते हैं, प्रत्यावर्ती धारा से इलेक्ट्रिक आयरन करते हैं, प्रत्यावर्ती धारा का इस्तेमाल करके फैन कूलर एसी चलाते हैं, तो ये सब जो चलाते हैं तो इसके लिए हमको ज्यादा संभाल के इनको नहीं रखना पड़ता है। आप मोटर चला रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि इसमें जो क्वाइल होती है, जो चूंकि कुंडली होती है उसके अंदर आर्मेचर जो घुमाता है, या फिर आप जनरेटर से प्राप्त कर रहे हो प्रत्यावर्ती धारा, चाहे कुछ से भी प्राप्त कर रहे हो, यानी कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि प्रत्यावर्ती धारा का यूज करके जो यंत्र इस्तेमाल करते हैं वो बहुत सुगम है, हमें अधिक ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ता है। यही तो कारण है हम लोग कई कई घंटों तक फैन मोटर को चलाते रहते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं होती है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो तीसरा ये बोल रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा का जो यूज किया जाता है अक्सर मोटर फैन कूलर एसी में यूज किया जाता है, जो कि सुगम है। सुगम का मतलब आसानी है, अच्छा है। तो यही कारण है कि इसमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ती है। और फिर अगला जो लिखे हैं वो क्या लिखे हैं, प्रत्यावर्ती धारा के जो परिमाण है वो संधारित्र और प्रेरकत्व को जोड़कर क्या कर सकते हैं, हम लोग घटा सकते हैं। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लक्षण में भी है, तो आपको याद आना चाहिए कि अगर कोई पूछ दिया कि मान लिया कि कोई वायर है, इसमें एसी सप्लाई किया जा रहा है, एसी का मतलब अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा इस वायर में सप्लाई किया जा रहा है, अगर आप इस एसी के मान को, विद्युत धारा के मान को कम करना चाहते हैं तो आप क्या क्या उपाय करेंगे। सवाल अच्छा से सुनिए, बोला जा रहा है कि अगर किसी वायर में आप एसी सप्लाई करेंगे या एसी सप्लाई हो रहा है, तो अगर उस एसी वाले करंट की मात्रा को कम करना होगा तो आप क्या करेंगे, तो मेरा जवाब होगा कि उसमें उस वायर में या तो हम संधारित्र जोड़ेंगे या तो फिर प्रेरकत्व जोड़ेंगे। समझिए अच्छा से, प्रेरकत्व को एल से सूचित करते हैं, संधारित्र को सी से सूचित करते हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि अगर कोई वायर जिसमें एसी करंट पास हो रहा है उसमें करंट की मात्रा प्रत्यावर्ती धारा की मात्रा को घटाना होगा, तो हम लोग किसका किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम लोग प्रेरकत्व या फिर संधारित्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल करने से प्रत्यावर्ती धारा के जो मान है उसमें कुछ कमी आ जाती है। तो ये भी एक गुण हुआ, लक्षण हुआ प्रत्यावर्ती धारा का, कि अगर प्रत्यावर्ती धारा को कम करना होगा तो हम लोग उसको उसमें क्या क्या जोड़ेंगे, या तो आप संधारित्र यानी कि कैपेसिटर जोड़ सकते हैं, या फिर आप प्रेरकत्व जोड़ सकते हैं, एल जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इन चीजों को आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बाकी अगर किया जाए नेक्स्ट, तो हम लोग लास्ट में लिखे हुए हैं कि प्रत्यावर्ती धारा का जो व्यवहार है यानी कि यूज है वो बहुत ही डेंजरस है, खतरनाक है, विद रिस्पेक्ट टू डीसी डायरेक्ट करंट, यानी कि डायरेक्ट करंट के अपेक्षा जो एसी का वैल्यू है वो ज्यादा से ज्यादा खतरनाक है। खतरनाक क्यों है, क्योंकि डीसी, कभी आप देखे होंगे डीसी यानी कि बैटरी से जो करंट पास होता है उसको आप बेहिचक आप टच कर लेते हो, ठीक है, यानी कि वो ज्यादा हम लोग के लिए इफेक्टिव नहीं होता है। तो जो डीसी से बैटरी डीसी वाले यानी कि बैटरी से जो करंट सप्लाई होता है
वो हम लोगों के लिए ज्यादा खतरनाक इसलिए नहीं होता है कि उसमें विद्युत वाहक बल ज्यादा मात्रा में क्रिएट नहीं होता है विद रिस्पेक्ट टू एसी। और एसी में तो अभी हम लोग देखे ना कि विद्युत वाहक बल का जहां से ट्रांसफार्मर से एसी आता है एसी करेंट, वहीं से वो विद्युत वाहक बल की मात्रा बढ़ जाती है, तदुपरांत हमें उसमें झटका महसूस होता है, करंट लगता है। ठीक है, यानी कि वो हमारे लिए अधिक खतरनाक है। थोड़ा सा सोच समझकर हमें एसी वाले करंट में परिपथ को ढंग से कनेक्शन को कट करके हमें उसका काम करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये डीसी से ज्यादा खतरनाक है, थोड़ा सा सोच समझ के हमें करना चाहिए। तो ये प्रत्यावर्ती धारा के कुछ अभिलाक्षणिक गुणधर्म थे, कुछ इसका लक्षण था जिसके बारे में अभी हम लोग लिखे पढ़े समझे। अब उसके बाद हम लोग नया टॉपिक्स देते हैं। तो अगले टॉपिक्स है प्रत्यावर्ती धारा एवं वोल्ट का निरूपण, यानी बोल सकते हैं फेजर्स डायग्राम, फेजर्स आरेख। ये फेजर्स आरेख क्या है इसको हम लोग देखते हैं कि फेजर्स आरेख कहते किसको है और फेजर्स आरेख का मतलब क्या होता है। ठीक है, फेजर्स आरेख होता क्या है इसके बारे में हम लोग पहले लिखेंगे फिर समझेंगे कि फेजर्स आरेख होता क्या है। तो पहला रो देंगे, लिखेंगे फर्स्ट रो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं वोल्टेज के बीच कला संबंध तथा उनके तत्कालिक मान दर्शाने के लिए फेजर्स की धारणा का उपयोग किया जाता है। फेजर्स की धारणा का उपयोग किया जाता है, फेजर्स की धारणा का उपयोग किया जाता है जिसे फेजर्स आरेख कहा जाता है, नेक्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे फेजर मूलतः घूर्णी सदिश बताते हैं क्या है। घूर्णी सदिश है जो मूल बिंदु के परितः एक निश्चित कोणीय आवृत्ति ओमेगा से घूमता है। ओमेगा हम लोग ऐसे लिखते हैं, एक निश्चित कोणीय आवृत्ति ओमेगा से घूमता है। फिर लिखेंगे नेक्स्ट एरो, वोल्टेज तथा धारा के शिखर मान बराबर होती है। अतः
ई नोट इज इक्वल टू आई नोट, उसके नीचे लिखिएगा अतः ई नोट इज इक्वल टू आई नोट। ई नोट को बोलते हैं यहां पे, आई नोट को बोलते हैं धारा का शिखर मान, धारा का शिखर मान, और ई नोट को बोलते हैं अभी क्या लिखे, वोल्टेज का शिखर मान, वोल्टेज, वोल्टेज का शिखर मान। तो चलिए इतना सारा चीज हम लोग अभी सीखे, तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि फेजर्स आरेख क्या है। ठीक है, फेजर्स आरेख क्या है। सबसे पहला बात कि फेजर्स आरेख जो है ये एक वैज्ञानिक के नाम पे रखा गया है जिसका नाम फेजर्स है। फेजर्स एक वैज्ञानिक का नाम है और इस वैज्ञानिक ने एक बढ़िया संबंध स्थापित किया, किसके किसके बीच, अब्राहवाद कि जो संबंध फेजर्स ने दिया वो किसके किसके बीच संबंध को दिया,